السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود الجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والمعاصر الجعفرية والآثار الكاظمية والحجج الرضوية والزهد التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الملاوية أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته السلام کیا تو وہ کمال تعقل تھا عقل رہبری کی ہم نے اعلان غم کیا اور میر تقی میر کو یہ کہنا پڑا چاک سینوں کے ہمارے نہیں سینے اچھے انہی رخنوں سے دل و جان ہوا لیتے ہیں انہی رخنوں سے دل و جان ہوا لیتے ہیں وہ چاکے دل وہ چاکے غریباں کہ جو علامات غم ہیں وہ ہماری زندگی کا دلیل ہیں زندگی کا ثبوت ہے اس لیے ہمارا غم کمال تعقل پر ہے ہماری خوشی بھی کمال تعقل ہے عین عقل ہے یہ مسرت اور یہاں پھر مسرت بھی ایسی
कि वही मीर तकी मीर कहते हैं शोर बाजार में है यूसुफ का, शोर वो भी आ निकले तो तमाशा है। यह है हमारी ईद, शोर बाजार में है यूसुफ का, वो भी आ निकले तो तमाशा है। ईद इंतजार, ईद कमाल, ईद तकर्रुब, ईद दीदार, ये भी कमाल है। इसलिए कल तक गम था तो अकल साथ थी, आज खुशी है तो अकल साथ है। अकल वाले कभी बेअकल नहीं होते, किसी वक्त भी अकल का दामन हाथ से नहीं छूटता। इसलिए हमारी खुशी और हमारे गम का अंदाजा लगाने वाले थोड़ी सी दौलत अकल से पहले ही आरास्ता रहे, ताकि अकल अकल का इदराक कर सके, अकल अकल का अंदाजा कर सके। आज जाहिर है कि कोई तवील तकरीर मकसूद नहीं, लेकिन उन्वान लाजिम है, और उस उन्वान के लिए अगर आपको पसंद हो तो इंतकाब यह हुआ कि उन्वान यह करार पाए एक मोहम्मद से एक मोहम्मद तक। उन्वान ही ने सनाते बराते इस्तेहलाल का काम दिया और हम आगाज से अंजाम तक पहुंच गए। बात यह है कि जैसा कि अभी अर्ज किया गया, गम हो के खुशी, हम पस्ती को पसंद नहीं करते, हमेशा उलू पेश नजर, हमेशा बुलंदियां पेश नजर हैं, या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक के आगोश में तस्बीह व मुनाजात। वो मजहब मर्दाने खुदादा हो खुदा मस्त, ये मजहब मुल्लाओ जमादा को नभाता। हमने हमेशा बुलंदियों पर नजर रखी है, या वो सत्य अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक के आगोश में तस्बीह व मुनाजात। वो मजहब मर्दान खुदा गा हो खुदा मस्त, ये मजहब मुल्लाओ जमादा तो नबाता। उस बुलंदी पर नजर है कि जहां से आगाज है, आगाज है एक मोहम्मद से, तो वो दिन नहीं कि जिसको दुनिया 571 ईसवी का जमाना कहती है, वो दिन नहीं कि जिसको दुनिया एक मकाम में एक मकान में एक जमान में महदूद करती है, कि मक्के की जमीन शेब अबी तालिब या खानवादे बनी हाशिम, नहीं, उससे कुछ पहले, उससे कुछ बलंद, जहां जमान नहीं, जहां मकान नहीं, जहां वक्त नहीं, जहां साथ नहीं, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, इस हदीस को आम आसार में उलमा ने नहीं पाया है।
इस हदीस को आम हदीस की किताबों में नहीं देखा गया। इस हदीस को मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल नहीं किया। इस हदीस को हजरत मुस्लिम ने हज्जाज ने बयान नहीं किया। और इस बिना पर जिम्मेदार उलमा को यह कह देना पड़ा आलम इस्लाम के कि हदीस वगई है। मगर हमारी हद तक इस हदीस को बयान किया अली इब्न मूसा रज़ा सलावतुल्लाह अलैह। नस हमारे पास है, नस हमारे पास है, और इस तरह से है कि इमाम जामिन सामिन फरमाते हैं कि उनसे उनके पदर गिरामी हजरत मूसा इब्न जाफर ने कहा, उनसे उनके पदर गिरामी जाफर इब्न मोहम्मद ने कहा, उनसे उनके पदर गिरामी मोहम्मद इब्न अली ने कहा, उनसे उनके पदर गिरामी अली इब्न हुसैन ने फरमाया, उनसे उनके पदर गिरामी हुसैन इब्न अली ने कहा, उनसे उनके पदर गिरामी अली इब्न अबी तालिब ने कहा। उन्होंने अपने भाई से सुना ये कहते हुए कि अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले खुदा ने मेरे नूर को खल्क किया। कौन तो नबीयन व आदम बैन अल मा व तीन, मैं उस वक्त में नबी था जबकि आदम आबो गिल में थे। तो अब जिनके पास नुसूस नहीं है उनके पास बजुज इनकार के और क्या चाह रहा है? इनकार कर दिया, तहकीक की मंजिल है, तहकीक की मंजिल है। मगर हमारे पास भी हमारी तहकीक ने हमको इस मंजिल पर पहुंचाया है कि चलते चलते एक बात याद रखिए, दुनिया सुन ले और महफूज कर ले, शायद कभी किसी वक्त काम आ जाए। हमारे पास 16,000 रावी हैं, 16,000 रावी हैं। और जब जरह तादील शुरू हुई, जब उलमाए रिजाल ने एक एक की जिंदगी पर तबसरा किया, जबकि उनको देखा कि उनके ईमान का क्या आलम है, इस्लाम का क्या आलम है, जब यह देखा कि उनका किस फिरके से ताल्लुक है, जब यह देखा कि उनका हाफिजा कैसा है, जब उनको यह देखा कि उनका आगाज क्या है, अंजाम क्या है, सोहबतें कैसी हैं, दिल की हालत क्या थी, दुश्मनों से कहां तक मिलते थे, इन सब चीजों को देखकर कुल 1,328 रावियों को सिका माना। 16,000 में से 1,328 को सिका माना, और 1,328 में से 18 को असाबे इजमा माना कि अगर वो कह दे तो फिर यह पूछने की जरूरत नहीं कि आपने किस इमाम से सुना है। और उन 18 में से 4 को नायब माना कि ये नवाब अरबा हैं, इनके मुतालिक पूछने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये करीब बइस्मत हैं। नवाब अरबा करीब बइस्मत हैं, मिजाज इनका मिजाज मासूम से इतना करीब है कि इब्राहिम हमदानी ने जब हुसैन इब्ने रूह से यह पूछा कि अगर मोहम्मद के छोटे नवासे की मदद के लिए जाते वाजिब की तरफ से कोई ऐसी बात हो जाती कि तबका कुफार का उलट दिया जाता तो उसमें क्या आयब था, क्या आयब था? इब्राहिम हमदानी की इस आवाज पर हुसैन इब्ने रूह ने कहा कि उससे बड़ी बात यह थी कि हुसैन गए थे कियाम तौहीद के लिए, और अगर मजलूम की आवाज में यह असर होता कि जमीन करबला उलट जाती तो अभी अभी जो बुतपरस्त मुसलमान हुए थे वो ये ऐलान कर देते कि खुदा हुसैन में हुलूल कर गया है। इसलिए तौहीद को मनवाने वाला कहीं खुद शिर्क की तारीफ न कर जाता, यानी लोगों को ये कहीं बावर न करवा दिया जाता कि देखो हुसैन में इतनी ताकत है। ताईद के माना ये कि गोया उसके मुअय्यद बन जाना अपने अमल से। हुसैन ने पसंद नहीं किया कि किसी मोजिजे के साथ, किसी करामत के साथ, किसी ताकत के साथ, किसी कुव्वत के साथ आज मुकाबला किया जाए, वरना जमीन करबला पे सब के सब अपना दीन बदल देते।
दीन बदल देते, इसलिए कि अभी अभी तो बुत परस्ती छोड़ के आए थे। हमें नानी बयान करता मैं घर गया और एकाएक मुझे ख्याल आया कि इतना फौरी जवाब कैसे दिया हुसैन इब्ने रूह ने, इतना फौरी कैसे जवाब दिया। दूसरे दिन आया तो मेरी सूरत देखी और कहा शक ना करना, तुमने पूछा इमाम ने जवाब दिया। नवाब अरबा करीब बा इस्मत है, इतने करीब है इमाम से। तो 1328 18 असाबे इजमा, 4 नवाब, और इनमें से जब कोई रिवायत करे असाबे इजमा में से या नवाब में से और ये कह के रिवायत करे कि अली इब्ने इब्राहिम ने इब्राहिम इब्ने हाशिम से सुना, इब्राहिम इब्ने हाशिम ने रैयान इब्ने सल्त से सुना, रैयान इब्ने सल्त ने अली इब्ने मूसा रज़ा से सुना कि आपने फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले खुदा ने मेरे नूर को खल्क किया, सबसे पहले खुदा ने मेरी रूह को खल्क किया। तो इस मकाम पर एक इल्मी बहस है और बड़ी अहम बहस है और आप पर एतमाद करते हुए आपके हवाले कर रहा हूं। याद रखिए, रूह कुछ और है, नफ्स कुछ और है। रूह कुछ और है, नफ्स कुछ और है। रूह रेडिएशन है, नफ्स रिफ्लेक्शन है। उर्दू में अर्ज करूं, रूह इशराक है, नफ्स इनेकास है। इनेकास है, रूह अमर है, नफ्स पैकरे कबूल है। रूह को पहले पैदा किया, जब रूह को पहले पैदा किया इशराक था, जिस्म न था इसलिए पर्दा था, पर्दा था हिजाब था नकाब था। जब बका में नफ्स पर आया नूर, जहूर था, जहूर था, इनेकास था, पैकरे कबूल था। और जब फिर वापिस जाता है मकाम इशराक पर, फिर पर्दा है, फिर गायबत है, एक मोहम्मद से एक मोहम्मद तक। अब अगर दुनिया इस हिजाब को नहीं समझ सकती तो इसीलिए नहीं समझ सकती कि वो नूरानियत पैगंबर की कायल नहीं है, रूहानियत पैगंबर की कायल नहीं है। वो तो इसी अंदाज में पैगंबर को देख रही है कि ये बचपन था दाई हलीमा के पास थी, ये बचपन था बकरियां चराते थे, ये जवानी थी तिजारत के कारवान को लेकर जाते थे, ये कोहूलत है, हैरानी है, परेशानी है, डरावने ख्वाब नजर आ रहे हैं। 40वां साल था, एक मरतबा घबरा गए, घबरा गए और जम्मेलूनी की आवाज दी, जिब्राइल आए, वही आई, कांपने लगे, खतीजा ने संभाला और बुहैरा राहिब ने कहा कि ये तो नबूवत है। जहां ये प्रोसेस हो, जहां ये तरीका फिक्र हो, जहां ये रुझान मिजाज हो, जहां ये उफ्ताद फितरत हो, वहां जब निगाह चाहेगी मादी यथी को चाहेगी, जब निगाह चाहेगी यही चाहेगी कि सुराहीदार गर्दन हो, वो मिश्की जुल्फे हो, वो सुरमगी आंखें हो, और वो इंसान हो जो कभी नबी हो कभी माशूक। अब ऐसों से ये क्या कहा जा सकता है कि ये कुरान है, कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, जैसे हमने अव्वल खल्क़ की इब्तिदा की थी उसी तरह से उसको पलटाएंगे।
कमा बदाना अव्वला खल्कन, जैसे पहले खल्क को, जैसे के पहली मखलूक को हमने इब्तिदा की मंजिल पर पहुंचाया था, उसको इंतहा की मंजिल पर भी उसी तरह से लाएं। वादा ना लेना इन्ना कुन्ना फाइलीन, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। कमाल अकल से फैज चला, उकूल बने, नफूस बने, अफलाक बने, बुलंदियां बनी, और उसी अकल के कमाल को वासिता बनाकर एक एक को फैज मिलता रहा। उकूल को फैज मिला, नफूस को फैज मिला, अफलाक को फैज मिला, मलकूत को फैज मिला, जबरूत को फैज मिला, मलाइका ने फैज पाया, और इसी तरह हौसे नुज़ूल में आलम मवाद ने फैज पाया, मादे ने फैज पाया, एक एक अंसुर ने फैज पाया, और जब कायनात नुज़ूल के इंतहा पर आई तो अब फिर आउद शुरू हुआ, अब फिर आउद शुरू हुआ, अनासुर की तरकीब हुई, अज्जा बने, अज्जा की तरकीब हुई, जमादात बने, जमादात में नमू आया तो नबातात बने, नबातात में इरादा आया तो हैवानात बने, हैवानात में कुव्वत नातका आई तो इंसान बने। सब इंसान एक सा नहीं है, ये अकल है ना, सब इंसान एक सा नहीं है। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, इंसानों ही में वो लोग हैं, इंसानों ही में वो लोग हैं जो हर खुदकार शैतान की पैरवी करते हैं और अल्लाह के लिए जिदाल करते हैं, इंसानों ही में वो लोग हैं। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, इंसानों ही में वो लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान लाए, यौम आकर पे ईमान लाए, वो ईमान वाले नहीं हैं। इंसानियत ही में वो लोग हैं। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الشَّرُّ انقلب على وجهه, इंसानों में वो लोग हैं जो शर्त लगा के अल्लाह की इबादत करते हैं कि अगर दुनिया मिलेगी तो तेरी इबादत करेंगे, और अगर दुनिया में नुकसान पहुंचेगा तो तेरी इबादत छोड़ देंगे, और एक मर्तबा मुंह मोड़ के भाग जाते हैं और खसरत दुनिया वल आखिरा हो जाते हैं। और इंसानों ही में वो लोग हैं कि युशहदुल्लाह अला मा फी कल्बिही व हुवा अलद्दुल क़साम व मिनन नासी मन युजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया, इंसानों में वो लोग हैं कि जिसकी बातें दुनियावी एतबार से तो अच्छी मालूम होती हैं मगर वो तेरा बदतरीन दुश्मन है। इंसानों ही में वो लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो मुनकिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, जो मुलहिद हैं, जो मुनाफिक हैं, इंसानों ही में वो लोग हैं जो एक दूसरे को कत्ल कर डालते हैं, जो एक दूसरे के खून को पानी की तरह से बहाते हैं, इंसानों ही में वो लोग हैं जो एक दूसरे को जलील करते हैं, और इंसानों ही में वो वली हैं, नबी हैं, हुज्जतें हैं, और इंसानों ही में वो है। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, इंसानों में वो भी है जो अपने नफ्स को बेच के मर्जी मौला को खरीद लेता है। सब इंसान बराबर नहीं होते, क्या अंधेरे उजाले बराबर हो जाएंगे? कुरान पूछ रहा है हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधे आंख रखने वाले दोनों बराबर हो जाएंगे? जरा अल्लाह मसलन रजुलैन, अल्लाह ने दो आदमियों की मिसाल दी, अहदहुमा अबकमू, उनमें से एक गूंगा है, ला यकदिर वाला शयिन, वो किसी बात पे कादिर ही नहीं है, हुआ कल्लुन अला मौलाहू, वो अपने मालिक पे बार बना हुआ है, बोझ बना हुआ है, हुआ कल्लुन अला मौलाहू अइनमा युवज्जहू ला याति बखैरिन,
किसी तरफ उसको भेजो, नेकी से वापिस ही नहीं आता। हल यस्तवी हुआ वो मैं यामुरो बिलाद, क्या ऐसा इंसान उस इंसान के बराबर हो जाएगा जो अदल के साथ हुक्म करे, वो हुआ ना सिराते मुस्तकीम, और सिराते मुस्तकीम पर चले। इरशाद होता है ज़रब अल्लाह मसलन रजुलन, अल्लाह ने एक और मिसाल दी है एक शख्स की, फी है शुरकाओ मुतशाकिसीन, उसमें एक ऐसा शब्द भी है फी है शुरकाओ मुतशाकिसून, यानी एक ऐसा शब्द भी है कि जिसमें झगड़ालू हिस्सेदार हैं, आज उनका साथ देता है, कल उनका साथ देता है, परसों उनका साथ देता है, आज उनकी खिदमत करता है, कल उनकी खिदमत करता है। वो रजोलन सलामारे रजोलिन, और एक ऐसा भी मर्द है जो फकत एक का होके रहता है, किसी और का नहीं होता। हल यस्तवियाने मसला, क्या ये दोनों बराबर होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, अल्लाह का शुक्र है अक्सरियत को इल्म नहीं है। गुफ्तगु यहां तक पहुंच गई, कल बहुत से अजीज यहां थे जो नहीं थे, उनके लिए मेरे पास बगैर माजरत ये कहना जरूरी है कि हम कल एक अहम गुफ्तगु को नशर कर रहे थे, जो गुफ्तगु हुई थी माबैन रुकनुद्दौला और शेख सदू मोहम्मद इब्ने बाबह कुम्मी ने, और उस सिलसिले में मैं ये कह रहा था कल कि रुकनुद्दौला ने मोहम्मद इब्ने बाबह कुम्मी को बुलाया, साहिब मंदा हजूर जो सुन चुके हैं उनके हाफिजे की ताजगी के लिए, जो नहीं सुन चुके हैं वो महफूज कर लें, जो सुन चुके हैं उनके लिए एक इजाफा है, इसलिए कि मैं कुछ और आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि वो तफसीली गुफ्तगु थी। रुकनुद्दौला ने कहा क्या बात है यह शायद कि तुम सीधे सादे फजाइल क्यों बयान नहीं करते, जब फजाइल बयान करते हो किसी ना किसी को सामने रख के। वो उस दिन की बात आज की बात सब एक है, यही गुफ्तगु आज भी है, यही गुफ्तगु लोग करते हैं। कहा यह शायद क्या यह मुमकिन नहीं है कि गुफ्तगु में तंज ना हो, तान ना हो, किसी का जिक्र ही ना हो, क्या बुरा है? कहा यो अमीर नामुमकिन है, मेरे लिए तो नामुमकिन, इसलिए इनके सबसे बड़ी बंदगी का फरीदा तौहीद, तौहीद कामिल नहीं है जब तक के दूसरे खुदाओं की नफी ना हो, जब तक ला इलाहा ना हो इल्लल्लाह नहीं है। और कहा अमीर अगर कोई सज्जा है तमीमी अस्वद अंसी और मुसैलमा एक कज़्ज़ाब की मोहब्बत दिल में रख के कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह तो वो गवाही बातिल है। पहले दूसरे अंबिया को दिल से निकालना पड़ेगा जो गैर हैं, जो गैर हैं, नबी नहीं है, खुद साख्ता है। तो खुद साख्ता अंबिया की नबूवत जब तक बातिल ना हो मोहम्मद की नबूवत की शहादत कबूल नहीं। कामीर बिल्कुल इसी तरह से बुलंद किया था लाखों के मजमे में भाई को यह कह के कि अगर मैं तुम्हारे नफूस से औलाओ मौला हूं तो यह भी औलाओ मौला है। उस दिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं भी औलाओ मौला हूं। अब अगर जमाने के इनकलाब में कोई और आ जाए तो पैगंबर के इस इरशाद की शहादत उसी वक्त हो सकती है। जबकि तसव्वुर गैर को हटाया जाए। यह गुफ्तगू कल हुई, उसके बाद यही उसने पूछा रुकनुद्दौला ने। तो फिर आपके नजदीक जब यह साबित है कि हर दौर में हुज्जत लाजिम है तो बारह का तायुन क्यों, बारह का तायुन क्यों? इरशाद फरमाया शेख सदूक ने अय्युहल अमीर इमामत फरीदा है और कोई फरीदा बगैर अदद के नहीं है।
कोई फरीदा दीन में बगैर आदत नहीं है। नमाज है तो 5 वक्तों की, रकाते हैं तो 17, रमजान के रोजे हैं तो गिनती के दिन, हज की तारीखें मुकर्रर, जकात का निसाब मुकर्रर, फरीदा अदब के साथ है। अजीब गुफ्तगु है ये, फरीदा अदब के साथ है। इमामत बगैर अदब नहीं रह सकती। उसके बाद अब ये इजाफा है जो हजरात कल थे उन्होंने नहीं सुना था। मेरे सिलसिले कलाम में बात आई इसलिए अर्ज करता हूं कि रुकनुद्दौला ने कहा यह शायर, क्या बात है कि अक्सरियत नहीं मानती। मेरा सिलसिला है कलाम, अक्सरियत नहीं मानती। उसने कहा अमीर, अगर सारी दुनिया के कुफार इस्लाम को नहीं मानते तो इस्लाम का क्या बिगड़ता है। और कहा अमीर यह कुरान है, और यह कह के शेख सदूक ने पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, अल्लाह का शुक्र है अक्सरियत को इल्म नहीं है। वो अक्सरहुम ला याकिलून, अक्सरियत को अकल नहीं है। वो अक्सरहुम ला युमिनून, अक्सरियत को ईमान नहीं है। वो अक्सरहुमुल फासिकून, अक्सरियत फासिक है। वो अक्सरहुमुल काफिरून, अक्सरियत काफिर है। वो इन कुत्ते अक्सर मन फिलहाल युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, अगर तूने अक्सरियत की पैरवी की तो तुझको अल्लाह की राह से हटा देंगे। और उसके बाद का कलीलुम मिन इबादी यशकूर, अल्लाह के बहुत कम बंदे शुक्र गुजार, अल्लाह के बहुत कम बंदे शुक्रगुजार हैं। रुकनुद्दौला ने कहा अय्युहल अमीर अय्युहल शेख, आपने सबसे आखिर में इस आयत की तिलावत क्यों की, कलीलुम मिन इबादी अश्शुकूर का, इसीलिए कि पता चल जाए कि अक्सरियत का मकाम क्या है, अकलियत का मकाम क्या है। कहा मैंने नहीं समझा। कहा ये आप समझो कि शुक्र का क्या मौका है और शुक्रगुजार कितने हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिही रसूल, मुहम्मद नहीं है मगर रसूल, इससे पहले भी और रसूल गुजरे। अफा इम्माताउ कुतिल, अगर यह मर जाए या कत्ल हो जाए, इन कलब तुम अला आकाबिकुम, तुम सब वापिस चले जाओगे। वमन यनकलब अला अकबैह फलन यज़ुरल्लाह शैया, और जो वापिस चले जाए वो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वसयज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह शुक्र करने वालों को बदला देगा। कलीलुम मिन इबादी यशकूर, और बहुत कम बंदे मेरे शुक्रगुजार हैं। तो अब आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, अल्लाह का शुक्र है तारीफ अल्लाह ही के लिए, अक्सरियत को इल्म नहीं है। काहे इसी बात, अक्सरियत को इल्म नहीं है, काहे का इल्म नहीं है, इसी बात का कि क्या ये दोनों इंसान बराबर हैं। एक में बहुत से शरीक हैं, उसकी जिंदगी में शरीक हैं, यानी बहुत सौ का गुलाम है। झगड़ालू आका बहुत से हैं, और एक वो है रजुलन सलम अल रजुलिन, मर्द है और एक ही का है। हल यस्तवियान मसला, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये है कुरान के इंसान इंसान के बराबर नहीं। आदमी होंगे बहुत से, और उर्दू अदब अपने कमाल पर पहुंच कर भी गालिब के एक लफ्ज की तशरीह अब तक ना कर सका, और वो लफ्ज है बस के। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। इस बस के की नजाकत देखिए, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। बहुत से आदमी हैं, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये चेहरा है, ये हयूला है, ये बादी उल बुशरा है, मगर आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। ऐसी मंजिल पर जब सब इंसान बराबर नहीं है, और सिलसिले आहद में अनासुर ने जमादी शक्ल अख्तियार की,
जमात में नमू की कैफियत पैदा हुई, नबातात आए, नबातात में शऊर आया, हैवानियत ने फरोग पाया, हैवानियत में कुव्वत नाटक आई, इंसान बना। क्या सब इंसान बराबर है? यह सिलसिला कलाम नहीं है। करोड़ों रुके चंद तस्लीम की मंजिल पर आए, चंद तस्लीम की मंजिल पर आए, निगाहों ने अक्सरियत को देखा, चंद पर निगाहें बहुत कम गईं, तस्लीम की मंजिल पर चंद थे उसमें बहुत से गिर पड़े, ईमान की मंजिल पर और कम हो गए, उनमें भी अक्सरियत हट गई, तकवा की मंजिल पर और कम आए, उनमें और छांटने की कोशिश की और खुलासा हुआ, इंतकाब हुआ तो विलायत की मंजिल पर और कम आए, उनमें और छांटा गया और इंतकाब किया गया, नबुव्वत की मंजिल पर गिनती क्या है? करोड़ों करोड़ों में से 1,00,000 पे गुफ्तगू ठहरी, 1,00,000 में फिर इंतकाब हुआ, 313 पर गुफ्तगू आई, 313 में इंतखाब हुआ, 5 की गुफ्तगू आई, 5 में इंतखाब ठहरा, 1 पे गुफ्तगू आई, करोड़ों में एक, मौजूदात में एक। जब जहूर की मंजिल पर आया नूर तो नफ्से मोहम्मद बनकर आया, नफ्से मोहम्मद बनकर आया ताकि पैगाम पहुंचा दे, पैगाम पहुंचा दे, नबुव्वत खत्म हो, नबुव्वत खत्म हो, विलायत बाकी है, विलायत बाकी है, अगर नबुव्वत खत्म है, रिसालत खत्म है, विलायत बाकी है, और फिर उरूज, फिर तरक्की, फिर वो कमाल के जहां एक के बाद एक आया, एक के बाद एक आया, तो ये पता देते हुए आया कि हमको पहचानो, हमको देखो, इसलिए कि अब ये औद की मंजिल है, कमाल की तरफ जा रहा है, कौसे उरूज, वो मंजिल आई, वो मंजिल आई कि जहां आवाज दी गई कि अब गिनती खत्म हुई, अब बस 11 खत्म हुए, 12वें का दौर आया, नफ्से मोहम्मद ने फिर नूर मोहम्मद की कैफियत को ले लिया, फिर पर्दा, फिर हिजाब, फिर गैबत, फिर आंखें न देख सकी, कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहू, जैसा आगाज वैसा अंजाम, जैसे बदा वैसे और, जैसे इब्तिदा वैसे इंतहा, अक्ल अव्वल, उकूल, नफूस, मलायक, अफलाक, जमीने, मादा, अनासुर, तरकीब, जमादात, नबातात, हैवान, इंसान, मुसलमान, मोमिन, मुत्तकी, वली, नबी, रसूल, मोहम्मद, कामिल बनाने की जरूरत नहीं है, अजल से चला है, अजल उल अजल से चला है, हुआ नूरुन यशरिक मिन सुबह अल अजल यलूहु हया के तौहीद व आसार, एक नूर था जो सुबह अजल से जलवा फरमा था, जिससे तौहीद की हैकलें जगमगा उठती थी, कभी उकूल को चमका गया, कभी नफूस को रोशनी दे गया, कभी मलाइक को नूर से मामूर कर गया, आसमानों का नूर, जमीनों का नूर, जर्रात का नूर, अनासुर का नूर, और फिर यहां से उरूज की मंजिल आई, एक एक को फैज देता चला, मुरक्कबात, जमादात, नबातात, हैवान, इंसान, इस्लाम, ईमान, तकवा, रिसालत, नबुव्वत, खातम। बहुत गौर से सुनिए, ये कौसे नुजूल, ये कौसे सुऊद,
तो मतलब ये कौसे नुजूल शुरू कहां से हुआ था? अकल से। जाना कहां तक है? अकल तक। अकल तक। अकल आज भी पर्दे में है। ये एक अजीब बात, अकल आज भी पर्दे में है। किसी ने देखा आपकी अकल को? देखा? क्या पूछ रहे हो एतराज के तौर पर कि पर्दे में क्यों है? तुम्हारी अकल कहां है? अकल कहां है? मगर यह गुफ्तगू किससे हो? जहां बदा हो तो औद हो, जहां बदा हो तो औद हो, जहां आगाज हो तो अंजाम हो। शिकायत हस्ती को दरमियान से सुनने वाले क्या जाने कि अव्वल क्या है आखिर क्या? जो अव्वल आखिर को नहीं जानता वो फकत जाहिर पे रुकता है, बातिन नहीं मालूम। अकल पिन्हा है, यही एक जौहर था जिसको हर इंसान ने पिन्हा करके बतलाया कि जब अकल को इब्तिदा मिली थी तो पर्दा था, जब अकल इंतहा पे जाएगी पर्दा है। पर्दा है यह पदा है वो और है। और इस मंजिल पर पहुंचकर अब बोलने वाले बातें करने वाले बहुत से बहुत से, और उनको बोलना चाहिए इसलिए कि हर इंसान अपने नफ्स पर कियास करता है, हर इंसान अपनी जात को दरमियान में लाके सोचता है, हर इंसान यह देखता है कि मैं किसी मसले पर गुफ्तगू करूं तो उसमें उसका मैंपन कहां तक रहे। और इस अंदाज में वहां जदल भी है, कील व काल भी है, बातें भी हैं, मबाहिस भी हैं, मगर ईद के मौके पर न जदल है, न कील व काल है, न मबाहिस है, न हम किसी के लिए तैयार हैं। किसी के लिए तैयार हैं यहां तक सात औरों के यहां से रास्ता। मैं भी हाजिर था वहां, जब्त सुखन कर न सका। मैं भी हाजिर था वहां, जब्त सुखन कर न सका। हजरत हक से मिला हुक्म जब सलावत, मैं भी हाजिर था वहां, जब्त सुकन कर न सका। हजरत हक से जो मुल्ला को मिला हुक्म बहिश्त, मैं भी हाजिर था वहां, जब्त सुकन कर न सका। हजरत हक से जो मुल्ला को मिला हुक्म बहिश्त, अब आप जाए। अर्ज की मैंने इलाही मेरी तकसीर माफ, खुश न आएंगे इसे हूरो शराबो लबे किश्त, खुश न आएंगे इसे हूरो शराबो लबो किश्त लबे किश्त। क्यों? वक़्त इसलिए है बदामोजी अक़वामो मिलल काम इसका। ये इकबाल है, देखिए वो जिम्मेदार वो है। है बदामोजी अक़वामो मिलल काम इसका, और जन्नत में न मस्जिद न कलीसा न कुनिश्त। जन्नत में ये चीजें ही नहीं है कि जहां बहस हो, तकरार हो, कील व काल हो, जदल हो। यह इकबाल, बहस इन्होंने छेड़ी और इकबाल ने जवाब।
इकबाल ने जवाब दिया और मैंने बार बार उसको पढ़ा, बार बार उसको समझाने की कोशिश की कि मुसलमानों इबरत लो, मुसलमानों कमाल की फिक्र करो, मुसलमानों कौम की बेहिसी को दूर करो, मुसलमानों कौम को यूं मरने ना दो, मुसलमानों कौम की जिंदगी यह है कि फिक्र कामिल रहे। और तुम हर बार यह सोचते रहो कि हम में कोई कामिल है, यह इकबाल की फिक्र है, हम में कोई कामिल जरूर है, नजर नहीं आता मगर है, वासिता फायदे इलाही है मगर है, उसी के जरिए से फायद हमको मिल रहा है, उसी की राह पे हमको जाना है। इकबाल कहते हैं अरे तुमने तो कुछ नहीं किया, जर्मन कौम ने यह तय कर लिया कि कोई मर्द कामिल है, कोई मर्द कामिल है, नेक्शे ने बार बार कहा कोई इंसान कामिल है। और वो सूफियों मुल्ला के मुतालिक इन्हीं मबाहिस के सिलसिले में गुफ्तगू करने वाले इकबाल ने कहा और अजीब शान से कहा कि मजजूब फरंगी ने बंदाज फरंगी, मजजूब फरंगी ने बंदाज फरंगी महदी के तकय्युल से किया जिंदा वतन को, महदी के तकय्युल से किया जिंदा वतन को के कामिल है, कौम को उस कमाल की तरफ जाना चाहिए, तुम में कोई कामिल है कौम उसी तरफ जाए, तुम में कोई परफेक्ट मैन है, तुम में कोई सुपर मैन है, तुम में कोई इंसान आला है, तुम में कोई मसले आला है, ये नक्शे का पैगाम था। मजजूब फरंगी ने अंदाज फरंगी मेहदी के तकय्युल से किया जिंदा वतन को, आए तू के है मेहदी के तकय्युल ही से बेजा, आए तू के मेहदी के तकय्युल ही से बेदार, महरूम नरक आहुए मिश्की से खुतन को, यानी आहुए मिश्की बजाहिर नहीं मालूम आता कि इसमें मिश्क है, सिर्फ बू देता हुआ जाता है, बू देता हुआ जाता है। इकबाल कहते हैं अरे क्या करता है ये, इस फिक्र को क्यों छीन रहा है मुसलमानों से, मेहदी के तकय्युल को क्यों छीन रहा है, बड़ा कामिल तकय्युल है क्या, कोई है, कोई है। बहरहाल हमारी गुफ्तगू है, अब हम ज्यादा जहमत नहीं देंगे और न मैं आज सुबह की तकरीर के बाद इस काबिल हूं कि और ज्यादा आपका वक्त ले सकूं, हमारी हद तक क्या कोई कामिल है, वही कामिल है जो पहले कामिल था, आईने अलग अलग थे नूर एक था, हर एक आईने ने इनेकास के आलम में उस इशराक के इनेकास के आलम में अपने अपने नफ्स को पेश किया, अव्वलना मोहम्मद, और इस तरह से यह कारवान चला, इस तरह से यह कारवान चला, और हमने कहा कोई है कामिल, वही है इमाम, वही है इमाम। गुफ्तगू खत्म हो रही है, वो आलिम है, वो मजहर हई है इसलिए जिंदा है, वो मजहर कदीर है इसलिए कुदरत वाला है, वो मजहर मुरीद है इसलिए साहिब इरादा है, वो मजहर जलाल इकराम है इसलिए साहिब जलाल भी है साहिब इकराम भी है, वो करीब भी है दूर भी है, जाहिर भी है बातिन भी है, वो आया भी है नेहा भी है, वो सारे फजाइल का दायरा है। गुफ्तगू यहां तक पहुंची तो अब बात बढ़ गई, अगर अब समझ में नहीं आता तो या तो यह कह दो कि दुनिया को अब न ईमान की जरूरत है न हुज्जत की, किस्सा खत्म इस्लाम का, दुनिया को न ईमान की जरूरत है न हुज्जत की, और अगर है जरूरत लाओ किसी इमाम, जहनों पर बार तो होता है मगर ले जाइए पैगाम।
इसलिए कि दिन और रात आप भी अपनी निजी महफिलें रखते हैं, अपनी निजी अंजुमने रखते हैं, रहे आपकी फिक्र शादा, लाओ किसी इमाम को मगर इन्हीं तमाम कमालात के साथ, इन्हीं तमाम कमालात के साथ आलम इस्लाम में ढूंढो, किसी ऐसे को लाओ अगर मुल्लाओं में से लाते हो कि दूसरे मुल्ला इख्तलाफ ना करें, अगर डिक्टेटर्स में लाते हो तो किसी ऐसे डिक्टेटर को लाओ कि दूसरे डिक्टेटर से इख्तलाफ ना करें, सियासतदानों में से लाते हो ऐसे सियासतदानों को लाओ कि जिसको आलम इस्लाम तस्लीम करे, और किसी को तो पेश करो, किसी का तो नाम कोई पेश करे। यह कहना बहुत आसान है कि आदम का हर बेटा खलीफतुल्लाह है, आदम का हर बेटा खलीफतुल्लाह है, इसलिए वारिस है ना, वारिस है। तो आदम का बेटा खिलाफत का तो वारिस हो गया मगर जन्नत का वारिस नहीं। यह काफिर है या मुशरिक है या मुल्हिद है या मुनाफिक है, यह आप सबको फतवे तो देते जाते हैं कि जन्नत में आने नहीं देंगे, खिलाफत का वारिस है मगर जन्नत से बेखबर। जो जो जमीन थी उसी का वारिस नहीं है, जो बाग था उसी का वारिस नहीं है। बरसों की आदतें हैं, बरसों के अफकार हैं, बहरहाल हम इसमें तब्दीली तो कर नहीं सकते। यह खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बना हुआ है, उसके बावजूद कैद खाने भी हैं, ताज़ीरात भी हैं, कवानीन भी हैं, सजाएं भी हैं, सब खलीफतुल्लाह है, सब खलीफतुल्लाह। और फिर अभी तक यह नहीं मालूम कि सब बराबर नहीं है, सब एकसा नहीं है। कमाल अपनी मंजिल आला पर, कमाल अपनी मंजिल आला पर है। गुफ्तगू खत्म हुई, हुज्जत जब जाहिर में आई और हाथों पर बुलंद किया तो इसलिए नहीं बुलंद किया था कि नफ्स ने नफ्स को पहचानवाया, नफ्स ने नफ्स को पहचानवाया इसलिए नहीं, बल्कि बुलंद इसलिए किया, हिम्मत है तो लाओ। इसलिए बुलंद किया था कि देखो पहचानो, दिन रात तुमने देखा है, नजदीक से देखा है, घराने को जानते हो, बहुत नजदीक से देख चुके हो, लाओ। तो जाहिर को जब पेश किया जाहिर में तो लाओ, जब नकाब आ गया, जब पर्दा आ गया, जब वो बातिन हो गया तो अब भी लाओ, अब भी लाओ, किसी को लाओ। इतने बरस हो गए, मोहम्मद अली बाब आके मर गए, सैयद मोहम्मद मेहदी जौनपुरी आके मर गए, कादियान की जमीन से कोई आया मर गया, अफ्रीका की जमीन से सन्नोसी पैदा हुए मर गए, यमन में मेहदी आए मर गए, हर साल एक नया मेहदी आता है दूसरे साल मर जाता है। अरे किसी को तो लाओ, मगर यही एज्ज पुकारता, यही एज्ज पुकारता है कि जहां इंसान की फिक्र नाकाम हो जाए वही हद कमाल, वही हद कमाल है। और वो कमाल है कि जाल हक वो जहक अल बातिल, इन अल बातिल कान ज़हूका, हक आया बातिल गया और बातिल को जाना ही चाहिए था। अज्जलल्लाहु ताला फरजक, अज्जलल्लाहु ताला फरजक, इंतजार है अपनी सलाहियत का, इंतजार है अपनी सलाहियत का, इंतजार है कि कुछ हम में वो कमाल पैदा हो कि किसी मंजिल पर जाकर उस कमाल को देख लें, उस कमाल को देख लें, इंतजार है। और मालूम नहीं कब तक यह इंतजार रहेगा, खुद इंतजार एक शरफ है, खुद इंतजार एक शराफत है, खुद इंतजार में कमजोरी नहीं है, खुद इंतजार में कोई ईमान में कमी नहीं है, इंतजार खुद बतलाता है कि मुंतजर है दुनिया, मुंतजर
दुनिया हर हाल मुंतजर है। वहां इजलास हो रहा है यूनाइटेड नेशंस का, दुनिया मुंतजर है। अरे इंतजार की शराफत तो दुनिया तस्लीम करती है। मुंतजर रहो, मुंतजर रहो, ये इजलास हो जाएगा, कल फिर इंतजार, सुबह को अखबार का इंतजार, हर आने खबर का इंतजार, हर आने खबर का इंतजार। तो बस यही वो मंजिल है कि जहां हम भी मुंतजर हैं, मगर दुनिया दुनिया मादियत के कमाल का इंतजार कर रही है, हम मोहम्मद का इंतजार। सलावत।